खाना खजाना भी सीखा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दम आलू। दम आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबाल के इनको छील लिया है। सबसे पहले आलू में इस तरीके से छेद कर लेंगे। फॉक से इस तरीके से छेद करने से आलू के अंदर मसाले अच्छे से चले जाते हैं। इसी तरीके से सारे आलू में छेद कर लेंगे। सारे आलू में छेद कर लिए हैं। आलू तलने के लिए कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे आलू। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे ही आलू को भूनेंगे। जब आलू एक साइड में थोड़े से तल जाएंगे तब इनको पलटेंगे। क्योंकि आलू उबला हुआ है तो इसलिए इसको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। आलू एक तरफ से हल्के से तल गए हैं, अब इनको पलट देंगे। जब हम उबले हुए आलू को तलते हैं तो ये बहुत ही कम समय में तल के तैयार हो जाते हैं। आलू को बीच बीच में उलटते पलटते रहेंगे जिससे कि हर तरफ से ये अच्छे से भुन जाएं। आलू काफ़ी हद तक गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इनको कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करेंगे। आलू को हमने उलटते पलटते हुए फ्राई किया है इसलिए ये हर तरफ से अच्छे से भुन गए हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब आलू को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। थोड़ी देर आलू को कढ़ाई की किनारे पे रोक के रखेंगे जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल हो वो साइड से निकल जाए। इसी तरीके से सारे आलू को कढ़ाई की किनारे पे रोक के रखेंगे, फिर कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। कढ़ाई में एक चम्मच के करीब तेल को छोड़ा है। गैस की फ्लेम को दोबारा से ऑन कर देंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे 3 मीडियम साइज के लंबे कटे हुए प्याज, 2 हरी मिर्ची, 7-8 कलियां लहसुन की, आधा इंच कटा हुआ अदरक। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे। अब प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। प्याज को लगातार चलाते हुए भून लेंगे जिससे कि ये हर तरफ से अच्छे से भुने। प्याज को हल्का सा भून लिया है, देखिए इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं किया है, बस इसको ट्रांसपेरेंट होने तक भूना है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। प्याज को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। जब प्याज ठंडा हो जाएगा तब इसको बारीक पीस लेंगे। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई को दोबारा रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। अब इसमें डालेंगे 3 चम्मच के करीब सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 तेज़पत्ता, 4-5 काली मिर्ची, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 जावित्री, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। साथ में ही ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। खड़े मसालों को अच्छे से भुनने देंगे। खड़े मसाले भुन गए हैं, अब यहीं पर डाल देंगे प्याज का पेस्ट। पेस्ट को चला देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही पेस्ट को 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट हो गए हैं प्याज के पेस्ट को भूनते हुए, अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। मसालों में ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी जिससे कि मसाले जले नहीं और अच्छे से भुन जाएं। मसालों को भी अच्छे से चला देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे। मसालों को 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट मसालों को भून लिया है, अब मसालों पर यहीं पर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज के पिसे हुए टमाटर। टमाटर को भी मसालों के साथ में मिक्स कर देंगे। मसालों को अब हम तब तक भूनेंगे जब तक इनसे तेल छूटना शुरू ना हो जाए और अच्छी खुशबू ना आने लगे। मसालों को ढक के पकने देंगे। मसालों को बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि कढ़ाई की तली में चपक के मसाले जले नहीं। दोबारा से मसालों को ढक देंगे। मसाले हल्के से भुन गए हैं। ग्रेवी में और ज़्यादा क्रीमनेस लाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मलाई।
लाई के साथ में ऐड कर देंगे एक चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को इस तरीके से हथेली पे ले लेंगे, इसको क्रश करके डालेंगे। मलाई और कसूरी मेथी को भी मसालों में अच्छे से मिला देंगे। अब मसालों को लगातार चलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि मसाले थोड़े से गाढ़े हो गए हैं, ये कढ़ाई की तली में चिपक के जल सकते हैं। मसालों से तेल छूटना शुरू हो गया है, अच्छी खुशबू आने लगी है, यानी कि मसाले अच्छे से भुन गए हैं। मसालों में ऐड करेंगे पानी, मिक्स करेंगे। ग्रेवी अभी गाढ़ी है, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लगभग 2.5 कप पानी का यूज़ किया है। पानी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी पतली या गाढ़ी आपको ग्रेवी पसंद हो। ग्रेवी में उबाल आने देंगे, गैस के फ्लेम हाई कर देंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब यहीं पर डाल देंगे भुने हुए आलू। गैस की फ्लेम लो कर देंगे, आलू के साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। गरम मसाला को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सब्जी को 10 से 12 मिनट अच्छे से पकने देंगे, जिससे कि मसालों का फ्लेवर आलू के अंदर अच्छे से आ जाए। सब्जी को बीच बीच में चला देंगे। 10 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए, ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सब्जी में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी दम आलू की सब्जी बन के आई है। दम आलू की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।